गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन योर ऑनलाइन बायो क्लास। स्टूडेंट्स, यस्टरडे आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, और टिश्यू में मैंने आप लोगों को बताया था कि टिश्यू बेसिकली जो होते हैं वो सेल्स के ग्रुप होते हैं, वैसे सेल्स के जिनके फंक्शन और स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं। नाउ हम लोगों ने ये भी देखा था कि टिश्यू टू टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे जो प्लांट में होते हैं वो प्लांट टिश्यू होते हैं, जो एनिमल्स में होते हैं एनिमल टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू के भी हम लोगों ने दो पार्ट देखे थे, फर्स्ट था मेरिस्टमेटिक टिश्यू और सेकंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था और टाइप्स देखा था कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू थ्री टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। इट इज सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट, ये स्टेम्स और रूट के ग्रोइंग टिप्स पर होता है। सेकंड, इट इज फाउंड एट एपिसेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के बिल्कुल एपिकल पोर्शन में होता है। इट ब्रिंग्स अबाउट द एलोंगेशन ऑफ द रूट एंड स्टेम, इसके कारण ही प्लांट के रूट और स्टेम जो है लंबे होते हैं, एलोंगेट करते हैं। इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट, और प्लांट का बेसिकली जो हाइट बढ़ता है, वो जो प्लांट देखते हैं छोटा सा लगा और बहुत लंबा हो गया, बाद में ट्री बन गया, वो बेसिकली एपिकल के कारण ही होता है, दैट मीन्स हाइट बढ़ना। ओके, सो आप कह सकते हैं एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ को इनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ये बार्क और वैस्कुलर बंडल्स के नीचे होता है, डाइकोट रूट और स्टेम में, ठीक है, थिन लेयर्स में ये पाया जाता है, और इट कॉजेज द स्टेम और रूट टू इंक्रीज द डायमीटर, और इसी के कारण किसी भी प्लांट या ट्री के रूट या स्टेम का डायमीटर फैलता है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि कोई भी प्लांट जो मोटा होता है वो लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू का होता है, दैट मींस उसकी मोटाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू के दो और फंक्शन है। ये प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, प्राइमरी ग्रोथ था दैट मींस लेंथ बढ़ना, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब मोटापा बढ़ना, डायमीटर बढ़ना। ओके, इट फॉर्म्स वैस्कुलर टिश्यू व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। इसके अलावा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, वैस्कुलर टिश्यू का भी फॉर्मेशन करता है। वैस्कुलर टिश्यू मींस जाइलम एंड फ्लोएम, जिसके कारण फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो पाता है। तो ये था लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ वी टॉक अबाउट इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये किसी भी प्लांट के लीव्स के बेसल पोर्शन में होता है, दैट मींस लीव्स का ये बेस में होता है, जहां से लीव्स निकलते हैं उसके बेस पर ये मौजूद रहता है, इसके कारण ही लीव्स का लेंथ जो है बड़ा होता है। याद करिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एपिकल के कारण प्लांट का लेंथ बड़ा होता है, लैटरल के कारण प्लांट का विड्थ बड़ा होता है, और इंटरकैलरी के कारण लीव्स का लेंथ बड़ा होता है। ओके, तो तीनों को हम लोग एक फिगर से डायमीटर एक डायग्राम से देखेंगे। जैसे स्टूडेंट देखिए, यहां पे मैंने एक प्लांट बनाया है और टिपिकल उसका रूट भी बनाया है, तो आप अगर देखेंगे तो ये जो लेंथ वाला पोर्शन है प्लांट का, ये वाला पोर्शन, ओके, और ये वाला पोर्शन, दोनों के ही लेंथ को बढ़ाने का काम करता है एपिकल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं विड्थ की, तो चाहे इधर का विड्थ हो या इधर का विड्थ हो, इस विड्थ को बढ़ाने का काम करता है लैटरल। ओके, और ये जो लीव्स का जो यहां बेस है, ये वाला जो पोर्शन है, ये होता है इंटर कैलरी। ओके, तो ये तीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो प्लांट के थ्री डिफरेंट पोजीशंस के लेंथ को इनहेंस करते हैं, एपिकल से हाइट बढ़ा, लैटरल से विड्थ बढ़ा, और इंटरकैलरी से लीव्स का लेंथ बढ़ा। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टोटली कंप्लीट हुआ। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग फिर से सुनेंगे। सिमिलर टाइप के सेल्स जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम होता है उसके ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। ओके, तो प्लांट में जो टिश्यू होते हैं प्लांट टिश्यूज होते हैं, और एनिमल में जो टिश्यू होते हैं वो एनिमल टिश्यूज होते हैं। प्लांट टिश्यू टू टाइप्स का था, फर्स्ट था आपका मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड था परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वैसे टिश्यूज होते हैं जिनके सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर थ्री टाइप्स का था, कौन कौन, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। एपिकल का काम था प्लांट के लेंथ को बढ़ाना, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम था प्लांट के विड्थ को बढ़ाना, और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम था लीव्स के बेसल पोर्शन को एलोंगेट करना, जिससे कि लीव्स का लेंथ बढ़े। नाउ
अब हम आते हैं प्लांट टिश्यू के सेकेंड पार्ट पर, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू बेसिकली मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही बनता है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू जब डिफरेंशिएट करता है फर्दर, और अब उसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। सो द डेफिनेशन इज द सेल्स ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के सेल्स डिफरेंशिएट करके परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। परमानेंट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है पहले वो समझते हैं। ये ऐसे सेल्स से बना होता है जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये सिंगल टाइप के सेल से बना होता है। इसमें दो तरह के या दो से ज्यादा तरह के सेल्स नहीं होते, एक ही जैसे सेल्स होते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर अगेन थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सो स्टूडेंट, इन तीनों पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर से समझेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर यू ऑल।